हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्वाति। तो मेरे तरफ से आप लोग को हैप्पी होली दोस्तों। होली में पूरे परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। तो आज मैं आप लोग के लिए गेहूं के आटे से और आलू से बहुत ही टेस्टी वाला एक नाश्ता की रेसिपी लेके आई हूँ दोस्तों। ये देखने में भी बहुत ही सुंदर है, तो इस तरह आप नाश्ता बनाकर होली में मेहमान को खिला सकते हैं। और ये नाश्ता खा के मेहमान आप लोग का तारीफ करते थकेंगे नहीं। तो चलिए अभी हम वीडियो को देख लेते हैं। तो देखिए, नाश्ता बनाने के लिए हम 2 कप गेहूं का आटा ले लेते हैं दोस्तों। तो इसमें हम स्वाद के हिसाब से नमक डाल देते हैं, 1/2 चम्मच अजवाइन को भी डाल देते हैं। और देखिए, 4 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल को डालते हैं मोयन के लिए। तो अभी हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह, ऑयल को और आटा को अच्छी तरह हम मिलाएंगे, इस तरह देखिए मसल मसल के। तो देखिए, हम लोग कैसे जानेंगे इसमें मोयन अच्छी तरह लगा कि नहीं। इस तरह मुट्ठी बांधने से हमारा आटा अच्छी तरह हाथों में मुट्ठी हो जाएगा। तो आप लोग जानिएगा अच्छी तरह हमारे आटे में मोयन लग गया है। तो देखिए, अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह सॉफ्ट वाला एक डो तैयार कर लेंगे। तो डो हमारा तैयार हो चुका है दोस्तों। इसको ढककर साइड में रख लेते हैं। तो इसके लिए एक स्टफिंग बना लेते हैं। देखिए, 2 आलू को उबाल के इस तरह हम मैश करके रख लिए हैं। तो अभी इसको आलू को एक बाउल में डाल देते हैं। तो देखिए, 1 चम्मच हम अदरक को कद्दूकस करके इस तरह डाल देते हैं। और 1 चम्मच हरा मिर्च को भी बारीक काट के इस तरह डाल देते हैं दोस्तों। 1 चुटकी जितना हल्दी पाउडर और 1 चुटकी जितना गरम मसाला। और देखिए, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर को डाल देते हैं। आपके पास चाट मसाला है तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और अभी स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। तो बाइंडिंग के लिए देखिए, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर में डाल रही हूँ और 1/2 कटोरी ब्रेड चूरा, जो ब्रेड का पाउडर। तो देखिए, अभी हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता को डाल देते हैं। और अभी सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिला लेते हैं। तो देखिए, इसको मिलाने का टाइम हम इसमें पानी नहीं डालेंगे दोस्तों। अगर आप लोग को ज़्यादा पतला लगे तो और 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर मिला सकते हैं। तो देखिए, अभी हम थोड़ा सा हाथों में ऑयल लेंगे और इस तरह पोषण थोड़ा सा लेंगे। और मैं देखिए इस तरह सिलेंडर शेप में छोटा छोटा इस तरह सिलेंडर शेप में बना लेती हूँ पहले, और प्लेट में रख लेती हूँ। पहले हम इस तरह बना लेते हैं। अगर मेरे रेसिपी आप लोग को अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो लोग पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं उन लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए, देखिए हम स्टफिंग को इस तरह बना लिए हैं। तो अभी हम डो को देख लेते हैं। डो को थोड़ा सा गूंथ लेते हैं और इसमें हम 3 लोई को तोड़ लेते हैं बड़ा बड़ा। तो दोस्तों, इसमें हम 1 लोई को लेंगे। और देखिए, लोई को थोड़ा सा इस तरह हम चिकना बना लेते हैं। अब इसमें हम 1 बड़ा वाला रोटी बेल लेंगे। तो इसमें सूखा आटा देने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत इजी तरीके से बेल रहा है दोस्तों। देखिए, तो इसको बहुत पतला नहीं करेंगे, देखिए इतना मोटा है। तो अभी क्या करेंगे, 1 कटोरी लेंगे। आप इस 1 गिलास भी ले सकते हैं दोस्तों, या कटोरी भी ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरह हम काट लेते हैं। तो देखिए, 4 पूरी को हम बना लिए हैं। जो बचा हुआ रोटी को इस तरह हम उठा लेंगे और इसको फिर से हम बेल के पूरिया बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों, 1 चाकू लेंगे और इस तरह बीच बीच में कट लगाएंगे। इसको पूरा नहीं काटना है, साइड नहीं काटना है। तो इस तरह बीच बीच में कट लगाएंगे। तो सभी पूरी में हम इसी तरह कट लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को 1 पूरी उठा के दिखा रही हूँ किस तरह मैं कट लगाई हूँ। तो देखिए, अभी जो हम स्टफिंग बना के रखे थे उसमें 1 ठो लेंगे और इस तरह साइड में रखेंगे। तो अभी क्या करेंगे, पानी लेंगे और पूरे साइड में इस तरह, देखिए दोस्तों जिस तरह मैं लगा रही हूँ उस तरह पानी को लगा लेंगे। तो दूसरे साइड पूरी को इस तरह उठाएंगे और इस तरह स्टफिंग को फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह दबा लेंगे साइड को। तो इसी तरह हम सभी पूरी को बना लेते हैं, स्टफिंग भर लेते हैं। बहुत इजी है ये बनाना दोस्तों, और देखने में ये बहुत ही सुंदर है। और खाने में तो मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये गेहूं के आटे से बना है, बहुत ही हेल्दी है। तो देखिए, हमारे नाश्ता डिजाइन वाला नाश्ता 4 ठो रेडी हो गया है। तो अभी बाकी को भी हम इसी तरह बना लेते हैं। देखिए, मैं आप लोग को पास से दिखा रही हूँ कितना सुंदर दिख रहा है। तो चलिए, सभी इस तरह नाश्ता को हम बना लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, हमारा सभी नाश्ता रेडी हो चुका है। अभी हम फ्राई करेंगे तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो ऑयल को बहुत ही ज़्यादा नहीं गर्म करना है, ये हल्का गर्म है। अभी गैस भी लो आंच में है दोस्तों। तो देखिए अभी हम तेल में डाल देते हैं, जितना कढ़ाई में आएगा उतना हम डाल देते हैं। तो अभी हम 2 मिनट तक इसको इस तरह फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे दोस्तों, नहीं छुएंगे। तो 2 मिनट के बाद देखिए इस तरह हम पलटा लेंगे। पलटाने के बाद फिर से हम 2 मिनट तक इस तरह फ्राई कर लेंगे। इस तरह हम गोल्डन कलर होने तक नाश्ता को अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। देखिए तो देखिए हमारा नाश्ता जितना फ्राई हो रहा है उतना सुंदर दिख रहा है। तो अभी लगभग हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है दोस्तों, फ्राई हो चुका है। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं और बचा जो नाश्ता को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह हम निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये नाश्ता भी हमारा फ्राई हो चुका है। तो इसको भी अभी निकाल लेते हैं। तो देखिए 4 ठो हरा मिर्च को भी इस तरह फ्राई कर लिए हैं। ये हरा मिर्च इस नाश्ता के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए हमारा गेहूं का आटा और आलू का नाश्ता डिजाइन वाला रेडी हो चुका है। तो मैं आप लोग को एक तोड़ के दिखा रही हूँ, ये कितना क्रिस्पी है दोस्तों। तो देखिए कितना क्रिस्पी है, बहुत ही टेस्टी है दोस्तों। तो इस तरह आप लोग बनाइए, पूरे परिवार के साथ खाइए दोस्तों। तो चलिए आप लोग को मेरे ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों।